और सटायर सब दिख रहा है तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी के साथ गंगा आरती और भजन संध्या में सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महेंद्रनाथ पांडे मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मां गंगा की आरती में लीन नजर आए। सात किलोमीटर का रोड शो पीएम मोदी का दशाश्वमेध घाट पर खत्म हुआ, जहां बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम की अगवानी की। बीएचयू के गेट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक पीएम मोदी का रोड शो 6 किलोमीटर का रहा। पीएम मोदी के काफिले को दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने में करीब 2.25 घंटे का वक्त लगा। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने की फूलों की बारिश। पीएम के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। पीएम भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। पीएम मोदी के वाराणसी में 7 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, भारी संख्या में समर्थकों ने लिया हिस्सा। वाराणसी में पीएम मोदी ने रोड शो से पहले बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पीएम मोदी बांदा पहुंचे। पीएम मोदी ने बांदा में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। हाथ में क्या लगेगा भैया, इतनी गालियां, इतने आरोप, इतनी झूठी बातें, अब ईवीएम को भी नहीं छोड़ रहे, इनके हाथ क्या लगेगा, इनके हाथ लगेगा 0-0। पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो लहर है ये नए भारत की ललकार है। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि महामिलावट वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगी, लेकिन नए भारत में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया भारत है, ये आतंक के अड्डों में घुसकर मारेगा। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारेगा। पीएम मोदी ने बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 3 चरण के मतदान के बाद जो महामिलावटी गलाफाड़ कर एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे वो अचानक गायब हो गए। तीन चरण के मतदान के बाद ये जो उछल उछल करके गला फाड़ फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। पीएम मोदी ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जिन लोगों को भारत माता की जय और वंदे मातरम से समस्या है, क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? इससे समस्या है, भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है, क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार भी कर सकती थी, लालटेन वाले भी कर सकते थे, पर इन दोनों पार्टियों के नेताओं का एक ही काम है, अपने अपने कुनबे का भला करना। आइए बहनों, गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार भी करती थी, ये लालटेन वाले भी कर सकते थे, लेकिन अब अपने अपने कुनबा का भला करना
यही उनका काम था। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, यहां पीएम के चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पिछले 5 साल में उनका पहला अयोध्या दौरा होगा। दरभंगा रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा दी है। कहा, लोग लालटेन और डिबरी में रहते थे, आज लालटेन की जरूरत बिहार में हमने खत्म कर दी है। लोगों ने क्या सेवा नहीं की है, कहां लोग अंधेरे में रहते थे, लालटेन और डिबरी का सहारा लेते थे, अब हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब बल्ब की सेवा उपलब्ध हो गई, लालटेन की जरूरत पूरे बिहार में खत्म हो गई, ऐसा बिहार हम लोगों ने बना दिया। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के बनारस से लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय राय को बनारस लोकसभा का टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस ने गोरखपुर से मधुसूदन तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। कन्नौज में डिंपल यादव के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची मायावती को मंच पर डिंपल यादव ने सम्मानित किया और फिर उनके पैर भी छुए। डिंपल के लिए मायावती ने कहा, मैं गठबंधन के पहले से ही डिंपल को अपनी बहू मानती हूं। डिंपल के लिए कन्नौज में गठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव से शादी होने के बाद आप लोग डिंपल को अपनी बहू मानते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी डिंपल को अपनी बहू मानती हूं। कन्नौज में गठबंधन की रैली में घुसा सांड, अखिलेश को सांड भगाने के लिए डीआईजी को करना पड़ा फोन, सांड ने भीड़ में लोगों को मारी टक्कर। पंजाब की चंडीगढ़ सीट से नामांकन करने से पहले बीजेपी के सांसद प्रत्याशी किरण खेर ने चंडीगढ़ में निकाला रोड शो। किरण खेर के रोड शो में बीजेपी नेताओं के साथ साथ पति अनुपम खेर भी रहे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये खुलासा करने के बाद कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें हर साल कुर्ते और मिठाइयां भेजा करती हैं, ममता ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना हुगली जिले में चुनावी सभा में कहा कि मैं लोगों को रसगुल्ला भेजती हूं, मैं पूजा के दौरान उन्हें उपहार भी भेजती हूं और चाय पिलाती हूं, लेकिन मैं उन्हें एक भी वोट नहीं दूंगी। छिंदवाड़ा में के उमरेठ में शिवराज सिंह के हेलीकॉप्टर को उतरने की मंजूरी नहीं मिलने से नाराज शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को धमकी देते हुए कहा कि ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। ममता दीदी के बाद कमलनाथ, अरे भाई सत्ता के मन में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह की फिसली जुबान, आतंकवाद को बताया त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक। आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है, आतंकवाद तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है। झांसी में प्रियंका गांधी का रोड शो, प्रियंका के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। झांसी में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान दिखा अनोखा रूप, रैली में शामिल होने आए बच्चे को प्रियंका ने गोद में उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया और दिनेश लाल के लिए वोट करने की जनता से अपील की।
आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जैसा नेतृत्व आजमगढ़ से चुनकर संसद में जाता था उससे नौजवानों की पहचान पर संकट खड़ा हो गया था। जैसा नेतृत्व आजमगढ़ से चुनकर के जाता था वह उसी प्रकार की छाप आजमगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति पर पहुंचती थी और उसकी आंख से आजमगढ़ का प्रत्येक नागरिक उस तपिश में जुड़ता हुआ दिखाई देता था। नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा होता था। आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग चाहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं, जहां और जैसे अखिलेश यादव कहें आप लोग करते रहे। आपन दिमाग लगावा, स्वतंत्र बन जा, जिससे मेरे हुआ स्वतंत्र बन जा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हिंदू वोट नहीं मिल रहा है, वहीं मुस्लिमों के बीच भी उनको लेकर काफी कंफ्यूजन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी का जिक्र किया बल्कि उसका नया नाम भी दे डाला। उन्होंने बीजेपी का नया अर्थ बताते हुए लिखा, भारतीय जनता पार्टी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर तंज कसा है। ट्विटर पर मायावती ने कहा, पीएम मोदी चुनाव आचार संहिता उल्लंघनों के अनेकों गंभीर आरोपों के बावजूद थैंक्स टू चुनाव आयोग अब तक पूरी तरह से आजाद व बेपरवाह घूम रहे हैं। गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने जनसभा में लोगों से वोट की अपील की। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। सत्ती ने एक रैली में कहा था कि जो पीएम मोदी का विरोध करेगा उसका बाजू काटकर हाथ में थमा देंगे। इसी बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमाया। आ गए आप? हाँ, जीते हैं बेटा। कहाँ कहते हैं लोग गांव में, कौन जीतेगा? जीतेगी।